हरियाणा का भी हो से मेरा सब कुछ हो, मगर आपकी नींद अभी भाग जाएगी। मैं एक बहुत बड़ा विस्फोट करने जा रहा हूँ, विस्फोट वैसा कुछ नहीं होगा, एक ही चीज बोलूंगा, मुझे फख्र है, मुझे गर्व है। क्यों? क्योंकि आज प्रोजेक्टों की बात चल रही है, लेकिन आप सब किश्तवाड़ियों को मालूम नहीं, आप सब किश्तवाड़ी ओम मेहता को भूल गए हो, जिस ओम मेहता ने यहाँ पर 390 मेगावाट धूल हस्ती प्रोजेक्ट लाया था। क्या आपको ओम मेहता याद है? नहीं, उनका रोड याद है। उनको पता था ओम मेहता साहब को, उस जमाने के होम मिनिस्टर और आज के जमाने में होम मिनिस्टर को देखो, कितनी जमीन और आसमान की फर्क है। हम किश्तवाड़ियों को वो भूल जाता है सब कुछ। याद करो ओम मेहता को, उसको श्रद्धांजलि दो। केमिस्ट यू बाइकर केमिस्ट कैसे आसन मिश्री बॉस, मगर वो नहीं। आज क्या हुआ? आप इंदिरा गांधी को भूल गए, जो 1984 में उनको प्रेम कॉलोनी में आकर मैंने जहाज गिने थे, जिसने एक चुनार शालीमार में लगाया था। क्या उस चुनार को आप भूल गए? अभी भी वो चुनार लगा है पेट्रोल पंप पर। लेकिन नहीं, आज क्या तो आज आई चोर प्राजक्ट कीड़ू करथई पकल डूल क्या टू डांगोरू। यार क्या बात कर दो, रास्ता किसने दिखाया उसको याद करो। कौन लोगों ने रास्ता दिखाया? ओम मेहता ने रास्ता दिखाया, जो ओम मेहता इधर नीचे बाजार में रहता था, पुराने पोस्ट ऑफिस में रहता था, वो यहाँ का रहने वाला था, लेकिन किसी ने उसका नाम इन सपीचों में नहीं लिया। मैं लूंगा, क्योंकि इसकी वजह से किश्तवाड़ इस वक्त पेरिस बनने जा रहा है, और पेरिस बनेगा, पेरिस बना। अफसोस की बात है, आप प्राजोटों को रोके, प्राजोटों के अलावा छोड़ो, आपके शहर में ऐसी ऐसी चालें चली जा रही हैं, आप एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, लेकिन फोड़ना नहीं है। आज आप 1990, मैं बताऊंगा आपको, मैं छोटा सा था 89 में एंडिंग में, मास्टर राजेंद्र जी गजाल से और जावेद साहब जो एक्सीडेंट में बेचारे चले गए थे, अफसोस की बात है, मैं वहां था जब हम वहां से भागे थे। किश्तवाड़ में कर्फ्यू था, शालीमार में रात कटी थी, हमको खतरा नहीं था। खतरा किनको है? जिन्होंने जमीनें बेची 90 से लेकर आज तक, जिन्होंने अपने मकान अपनी हवेलियां बनाई हैं, उनको खतरा है। क्यों? छह महीने जम्मू में गर्मी बढ़ती है वो आते हैं इधर, छह महीने ठंडी होती है वो जाते हैं उधर, बाकी जो किश्तवाड़ में रहने वाला है उसको खतरा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आप सब भाइयों को, प्लीज, अगर आपने अपने बच्चों का भविष्य देखना है, मत छोड़ो ये हिंदू मुस्लिम, इनको करने दो। इन्होंने सियासत राम मंदिर पर की, इन्होंने सियासत बाबरी मस्जिद पर की। ना बाबरी मस्जिद आप लोगों ने देखी, ना राम मंदिर मैंने नहीं देखा। आपने कभी देखा बाबर को आते हुए मेरे उधर मस्जिद को बनाते हुए या मेरे किसी को राम मंदिर बनाते हुए? इनको उनका खमियाजा मिला। ये 300 पार के बाद 240 पर पहुंचे, आप खुश हो जाओ, ये लंगड़ी सरकार है, ये फिर उसी चार पर पहुंचेंगे, ये याद रखना। क्योंकि ये खरीब बांग्लादेश को छोड़ो कि मेरे मेरे किश्तवाड़ का देखना, नेशनल लेवल की सियासत हमको नहीं करनी है, हमने अपने घर को देखना है। जम्मू कश्मीर, मेरा किश्तवाड़, मेरा बड़वा, दक्षिण, पादर, वाड़वन सब जाते हैं, गरीबों को लूटते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी नीलम लुट गई, हमारी जमीन लुट गई, हमारा सारा पेड़ पौधा लुट गया। लगे कौन? बिहार और यूपी के ऑफिसर कौन? एक ऑफिसर पटेल कंपनी का जो जेब में रिवॉल्वर रखता है, मेरे मजदूर साथियों को धमकाता है। आप प्रोजेक्ट की बात बोलते हो, आज बड़े बड़े
ये ज्यादा लोग प्राइवेट की बात करते हैं, उनको पता ही नहीं प्राइवेट में क्या हो रहा है। कोई इंटीरियर नहीं, कोई इंटीरियर नहीं, ये प्राइवेट वाले बात करते हैं। पटेल कंपनी जो है इसका कहीं नाम निशानी नहीं था। ऑनली जेपी, एससीसी, एफकॉम, एलएमटी, ये कंपनियां थी हिंदुस्तान में। पटेल कहां से आई? हिमाचल से, क्योंकि हिमाचल के लोग आपके शहर की डेवलपमेंट दिखा गए आ रहे हैं टोपियां बांध के। अनुराग ठाकुर, कौन सा मेरा बच्चा किश्तवाड़ का उसने वो आईपीएल खिलवाया या कौन सा क्या किया जिसने बैट नहीं उठाया वो बन गया चेयरमैन? ऐसा कुछ नहीं। सच सच होता है, सच के साथ रहो। हमने सुजात साहब को भावी अक्सर से कामयाब करना है। अगर नहीं करोगे आप क्या देखोगे? हम तो जियेंगे जैसे भी जीते हैं, हम मेहनत मजदूरी करके जीते हैं, लेकिन आम गरीब के लिए सोचो जो ऊपर बैठा है, जिसके घर में मिट्टी का तेल ही नहीं, चीनी नहीं, आटा 5 किलो आटे की बात बताऊंगा, राशन आपकी बात बताऊंगा, कोरोना के बाद राशन किसको फ्री मिल रहा है, आपको कितना मिल रहा था और पूरे हिंदुस्तान को कितना मिल रहा है? आपका राशन काटा गया, आपको समझ नहीं आती है, क्योंकि तुम बिके हो हिंदू मुस्लिम के नाम पर। नहीं, आपसे आपको स्मार्ट मीटर, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक गांव लिया था गोद में, ये पडरना में, मुझे उसका नाम बागना की क्या बोलते हैं, उसको देखा आपने कितना सुंदर है। वहां बिजली कभी जाती नहीं है, वहां कभी पानी जाता नहीं है, मगर उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लाइटते हैं। वो अटकाश बीजेपी अस्तव चाहिए जैसी पदनावल हिंदू मुस्लिम। खुद कुर्सियों पर बैठने वाले लोग आपकी नींद में उड़ा दूंगा। सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कसम से। मैं एक गरीब आदमी हूँ, आप सब लोग जानते हैं। बिजली, समाज मीटर, समाज सीटी के बदले में आपको समाज मीटर लगने वाले हैं, पानी के बदले में आपको पानी के मीटर लगने वाले हैं आने वाले कल में। क्या आप उस चीज को तैयार हो? आपके घर का किराया कितना आ रहा है बिजली का? आपको मालूम है जून ही छू या 10 चुपो में बीस डबल कई मेहनत मजदूर दी हुई चुमन बोल गई। ये जमीन का इंसान, जायदाद का इंसान, आपको सो पोल्यूशन बहुत खराब सो कोई सुन शिव नहीं तो सारस में। आपने कभी बर्फ देखी पिछले साल या इस साल आपने बारिश देखी? नहीं देखी। ये सारा जो है जितने 4 डैम बन रहे हैं आ हम सब दलदल में फंसे हुए। क्यों? आपको मालूम ही नहीं इसने क्या मटेरियल लगा है, नहीं मालूम। आप बोलते हो जेबी कंपनी, जेबी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी अपने वक्त की, उसका हमने नमक खाया, झूठ नहीं बोलेंगे। उसको जो मांगा हमने वो उसने दिया हमको। आज के दौर में भी जेबी कंपनी का मुलाजिम कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उसको दिवाली अनाउंस मिलता, उसको ईद का अनाउंस मिलता, उसको पीए मिलता, उसको डीए मिलता। जाओ पंडेल कंपनी को, आज मैं सुनील शर्मा को चाहता नहीं करता हूँ यहाँ से। चल मैं पटेल कंपनी के सारे वर्कर तेरे को वोट डालेंगे, नहीं डालेंगे एक भी वोट तेरे खाते में नहीं पड़ेगा। क्यों? तूने मजदूरों को दफन किया। 6 बजे मजदूर का दाम दे देंगे, शाम को 9:30 बजे आता है, उसको खाने का पता नहीं, उसको कोई पता नहीं। बंधुआ मजदूर की नौकरी कर रहे हैं मेरे लोगों, मैं उनसे अपील करता हूँ आशीष साहब, उन सब मजदूरों को जितने भी प्राइवेट में लगे हैं वो सब सजाद साहब के नाम और पूजा ठाकुर के नाम वोट करें। हम उनको बताएंगे उनका हक कैसे मिलता, वो ये हकीकत होगी और हकीकत 100% होगी। यहाँ आपका राशन चला गया, यहाँ बिजली पानी का पता नहीं, बाकी मैं ज्यादा नहीं दूंगा, वक्त कम रहा है और वक्त 4 दिन आपके लिए दे रहा है। आप सब लोगों से खाली सती सुनने के लिए नहीं आना है, ये हमने उस दिन जिस दिन वोटिंग होगी वो अंदर जाकर ये नहीं सोचना, हमने बस वही सोचना है हल्के बटन पर निशान,
जो हमारा हल का निशान है, जो इस शिकायत का निशान है, उस पर बटन दबाकर सज्जाद साहब को भारी अक्षर से और से यहां मैं सही करता हूं, आपको हमेशा गुमराह किया गया। आपकी नीलम खान लूटी गई, आपका हर चीज लूट जा रहा, आने वाला कई प्रोजेक्ट है ये नाम का है, वहां फिर बिहारी यूपी का लोग होंगे। इसलिए आपकी बात, आपकी सरकार चुनी हुई सरकार होनी चाहिए और पूजा ठाकुर जी को वोट दो। हम इस बार में तो हमारी सीट पक्की है, चाहे कोई भी आए कहीं करे। जय हिंद जनाब सज्जाद अहमद की।